हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए एक हेल्थ से रिलेटेड और जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो आज मैं अपने वीडियो में बताऊँगी गर्भावस्था में किन चीज़ों को खाना चाहिए जिससे कि आपका जो बेबी होने वाला बेबी है वो काफ़ी ताकतवर हो और काफ़ी हेल्दी हो। तो इस वीडियो में यही हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि जब भी आप मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। गर्भावस्था में आहार का बहुत ध्यान रखना होता है और जो भी हम आहार खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए जिससे माँ और बच्चे की सेहत अच्छी होती है। प्रेग्नेंट महिला को 9 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। प्रेगनेंसी में डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसी पर निर्भर करता है माँ और बच्चे की सेहत। प्रेगनेंसी में माँ जो कुछ भी खाती है उसका पूरा फायदा बच्चे को मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको अच्छी और हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए अपने डाइट। सबसे पहला है अंडा। अंडा जो होता है वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अंडे में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा स्रोत पाया जाता है। अंडे में बहुत तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जिसमें कि कोलिन होता है जो शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए फायदेमंद होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडा कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसको पका के ही खाएं। ना तो कच्चा खाएं ना कच्चा खाएं, पका के ही खाना चाहिए। है डेयरी प्रोडक्ट। प्रेग्नेंट महिला को डेली डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को डेली दूध, दही, छाछ ये सारी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फ्लेवर्ड दही आते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर हो। नेक्स्ट है राजमा और सोया। राजमा और सोया आप खा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हरे पत्तेदार सब्जियां, जिसमें कि जो पालक है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आयरन की मात्रा, फॉलिक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। ब्रोकली में आयरन। एवोकाडो को कई लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। जो एवोकाडो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसमें पोटेशियम और फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन ई का भी काफ़ी अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन और खूब पाया जाता है। विटामिन सी खूब मात्रा में पाया जाता है। गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है, प्रेगनेंसी में गाजर जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और इसमें जो है लाइकोपिन पाया जाता है जो बहुत फायदेमंद होता है। सौंफ। सौंफ शरीर को साफ करने का काम करता है। सौंफ में पोटेशियम होता है जो शरीर के फ्लूइड को भी लेवल को संतुलित करने में भी मदद, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सौंफ जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट है सीड्स। कद्दू के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त होते हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन भी हेल्दी रहती है। नेक्स्ट है सलाद। सलाद को भी जरूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अपने एक अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।